नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान असमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए, जहां गाजीपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए INDIA गठबंधन पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चर्चा यही है कि इंडिया गठबंधन बिखर रहा है। महेंद्रनाथ पांडे ने कहा कि ये स्वार्थों का गठबंधन है और स्वार्थों का गठबंधन का कोई उद्देश्य नहीं होता है। 1942 के अंदर जो जन प्रतिरोध हुआ था आजादी की लड़ाई में, उसमें गाजीपुर में किस तरह का जन प्रतिरोध हुआ, उस पर एक बहुत बड़ा रिसर्च वर्क चल रहा है। डॉक्टर आनंद शंकर सिंह ईश्वर शरण PG कॉलेज के प्रिंसिपल हैं प्रयागराज में, उनकी अगुवाई में उस पर एक सेमिनार आयोजित है और उसका सह प्रायोजक सहजानंद महाविद्यालय और उससे जुड़े लोग, मैं उसी में मुझे लोगों ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल आज झांसी पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि उस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार 10वीं साल में पहुंच गई है और यूपी में योगी सरकार को 7 साल होने जा रहे हैं। दोनों सरकारों ने यूपी का बुरा हाल कर दिया है। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है। पूरे प्रदेश में डेंगू से मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। आगे उन्होंने कहा कि पहले आए बीमारी में जितने लोग नहीं मरे, उससे ज्यादा डेंगू की बीमारी से लोगों की अब मौत हो रही है। और उत्तर प्रदेश 7 साल सरकार होने जा रहे हैं योगी जी के। दोनों सरकारों ने उत्तर प्रदेश का बहुत बुरा हाल कर दिया है। पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गई। पूरे प्रदेश में डेंगू से मौतों पर जिस तरीके से वृद्धि हो रही है, डेंगू से मरने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। अब खबर कानपुर देहात से है, जहां बेटों के साथ मिलकर चाचा ने अपने सगे भतीजे को फरसे से काटकर मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि चाचा और भतीजे के परिवार में गाली गलौज और झगड़ा आए दिन होता था। वहीं मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और 2 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। एक व्यक्ति नामक राजेश यादव पुत्र कैलाश, इनकी मृत्यु होने की सूचना मिली थी, तो तुरंत हम और अपने जितने भी सक्षम विभाग टीम और सारे अधिकारी मौके पर पहुंचे। फील्ड यूनिट वो भी पहुंच गई है। तो यहाँ पर प्रथम दृष्टया यही पता चल रहा है कि ये जो कैलाश और रतिराम जी जो है, दोनों सगे भाई है और इन्हीं के बेटों के बीच में एक पारिवारिक कलह पहले से ऐसे ही आप छोटी छोटी बातों पे गाली गलौज वगैरह होती रहती है और आज भी ऐसे ही इनके बीच में गाली गलौज हुई थी और गाली गलौज के दौरान आक्रोशित होके इसमें ये मृत्यु मतलब मर्डर हुआ है और हमारे टीम्स लगे हैं और फिलहाल आरोपी में जो 3 आरोपी का नाम इन्होंने कहा है कि तीनों में एक गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी अन्य लोगों के लिए टीम लगे। बहराइच से खबर है, जहां हरखापुर पृथ्वी पूर्वा गांव निवासी एक मासूम बच्चे की झोलाछाप डॉक्टर के गलत इलाज से मौत हो गई। पुलिस ने पिता की तहरीर पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। वही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। बहराइच से खबर है, जहां थाना नवाबगंज इलाके के महादेवा में 24 वर्षीय नवविवाहित महक जसवाल का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला। मृतक नवविवाहित बहराइच के रीसिया थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। मृतका विवाहिता महक जसवाल के पति संदीप जसवाल ने बताया कि वो मोबाइल चलाती रहती थी और बच्चों का ख्याल नहीं रखती थी, जिसको लेकर जब पति ने पत्नी को डांटा तो पति ने उस बात से नाराज होकर फांसी लगा ली। हालांकि पुलिस इस मामले की विवेचनात्मक कार्रवाई कर रही है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल शव का पहले पोस्टमार्टम कराया जाएगा, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जीएलएम विश्वविद्यालय में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में छात्रों के लिए मोटिवेशनल सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें जीएल विश्वविद्यालय मथुरा के सीईओ नीरज अग्रवाल ने छात्रों को संबोधित किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हर किसी की सफलता की परिभाषा दूसरों से अलग होती है। कुछ के लिए मन की एक अवस्था है और कुछ के लिए भौतिक सुख है। वही कार्यक्रम में लखनऊ, बाराबंकी समेत कई जिलों से करीब 1200 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हुए। सर, एक बहुत बढ़िया सेशन रहा और बच्चों से आपने इंटरेक्ट हुए, काफ़ी सारी चीज़ें जो है बच्चों को आपने बताई कि लाइफ में कैसे डील करना है। इस तरह की सेशन लगातार आप लेते रहते हैं, तो आप खुद को स्ट्रेसफुल रखने के लिए क्या कुछ कहते हैं? अच्छा, एक तो यह है कि जो अंदर से मोटिवेटेड है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये बाहर का मोटिवेशन जो है ये कुछ दिन तक चल सकता है, लेकिन अंदर से जो मोटिवेटेड है, ईश्वर की मुझ पर कृपा है, मेरे पिताजी का, मेरी माँ का मुझ पर आशीर्वाद है कि मैं खुद से ही मोटिवेटेड हूँ। और जब भी मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो अपने आप को खुद बधाई देता हूँ। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक व्यक्ति को पीछे हटने से, डीमोटिवेट होने से रोकती हैं, और यही मेरा मैसेज सारे बच्चों को रहता है। जिस तरीके से कई बच्चे ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, काफ़ी चेयरअप दिखाई दे रहे थे, तो आज के ज़माने में देखा जाए तो पिछले समय में गुरुकुल हुआ करता था, आज गूगल है, डूगल है, जिस तरीके से एजुकेशन की चीज़ें बदली हैं, तो बच्चे किस तरीके से जो है वो खुद को ढाले इस चीज़ में, ऑनलाइन कोर्सेज का भी ज़माना। हाँ, आपने तीन चीज़ें कहीं, गुरुकुल, गूगल और ऑनलाइन, ये आज की दुनिया की, आज के तौर की ज़रूरत है। गुरुकुल की चीज़ें कभी नहीं बदली जा सकती, जो गुरु हैं वो रहेंगे ही रहेंगे, ब्रिक एंड मोर्टार जिसे कहते हैं हम, इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन उसमें गूगल के जो स्कूल चलता है वो भी ज़रूरी है और ऑनलाइन बेहद ज़रूरी है। जीएलए उस बात को बहुत अग्रसित होकर आगे बढ़ाता है। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां अशरफी मौलाई निकाह फाउंडेशन गोपालीपुर ने एक प्रेस बैठक का आयोजन किया है, जिसमें बताया गया कि ये फाउंडेशन अभी सारे मुस्लिम के लोगों के लिए काम करेगा और बच्चे की शादी किए फाउंडेशन की तरफ से 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। अभी सिर्फ अंसारी समाज के बच्चों की शादी की बात कही गई है। वही वार्ता के दौरान ये भी बताया गया कि आने वाले समय में फाउंडेशन हर समाज में ब्रांच खोलेगा और प्रदेश लेवल पर भी काम करेगा। इसका मेन मकसद ये है, ये मुस्लिम समाज के जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हैं वो, और जितने भी दुनियावी कार्यक्रम हैं, जैसे पढ़ाई किसी बच्चों के गरीब है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, उसका दाखिला नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग दाखिला कराएंगे। और आने वाले दिनों में 20 नवंबर 2024 हम निर्धारण किए हैं, दो लोगों को हम मुफ्त में भेजेंगे, और उसके अलावा जो है 20 लोगों का हमारा टारगेट है। कम से कम मूल्य में हम लोगों को जाएंगे, बताएंगे, अपने मकसद को तैयार करेंगे, पूरी टीम फिर भेजा जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।